मुजफ्फरपुर में आगामी 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होने वाली नवरात्रि के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को नगर थाना परिसर में एएसपी अवधेश सरोज दीक्षित की अध्यक्षता में जिला शांति समिति के सदस्यों और नगर क्षेत्र के सभी दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख और सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख तौर से पूजा पंडालों में भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही डीजे पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने और पंडालों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं एएसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि यह त्योहार अमन चैन के साथ आपसी भाईचारे को कायम रखने का है। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीजे पर विशेष रूप से नियंत्रण लगाया गया है। वहीं किसी भी प्रकार की अफवाह पर नहीं ध्यान देने और कोई भी सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को बताने की बात कही है। पूजा समिति वालों के साथ में बैठक की गई है और बैठक में जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी को कंटिन्यू करना और जो सबको निर्देश दिया गया है कि परसों तक सब लोग यहाँ पर अपने मेरे ऑफिस से लाइसेंस ले लेंगे और डीजे पे कंट्रोल रखेंगे। थर्डली कि यातायात प्रभावित नहीं हो उसके लिए भी जितने वॉलंटियर पॉसिबल हो सके उनको रखें और वो ट्रेंड वॉलंटियर रहें। इसके अलावा और भी जो कई सारे निर्देश हैं जो दिए गए हैं, हाँ कई सारे लोगों जो हर बार होता आ रहा है उसी हिसाब से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उन पर सब पे 107 करके बाउंड डाउन किया जाएगा। पंडाल में किस तरह का निगरानी होगी पुलिस की? सीसीटीवी वगैरह भी रहेगा, उसके अलावा इनके खुद के वॉलंटियर भी रहेंगे और हम लोग की फोर्स भी रहेगी। मैसेज क्या होगा सर आपकी ओर से? यही है सब लोग शांति से मनाएं फेस्टिवल। सर डीजे को लेकर सर क्या है? पहले भी हम लोग दो बार FIR कर चुके हैं डीजे को लेकर के और इस बार भी सबको बहुत क्लियरली ये चीज़ बोला गया है कि डीजे को लेकर के बिल्कुल भी टॉलरेशन नहीं होगा। अगर कोई आदमी लिमिट से ज़्यादा डीजे बजाता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।